तो फ्रेंड आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ कुछ नया लेके, कुछ अच्छा लेके। देखिए मेरी टेरेस गार्डन पे जो कि मैंने कुछ वेजिटेबल लगा रखी हैं, देखिए उसका नज़ारा दिखाती हूँ मैं कि कितने ब्रिंजल आ रहे हैं। बहुत अच्छे ब्रिंजल आ रहे हैं मेरे टेरेस पर, बहुत फूल भी आ रहे हैं। और देखिए सबसे पहला जो बैगन खाया मेरी गिलहरियों ने खा लिया, देखो तोड़ के। बैगन की वजह से इसकी टहनी नीचे को लटक गई थी जो उन्होंने आसानी से खा ली। मैंने देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये पतली सी जो ब्रांचेस है ये मेरी बीन्स की फली की बेल है जो कि आप देखिए कितनी हेल्दी हो रही है। अभी इस पे एक भी फूल भी नहीं आया, अगर फूल आ जाता तो बीन्स की फली भी बहुत आराम से आ जाती। बहुत लंबी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बैगन का दूसरा पौधा है जिस पर फूल स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखिए मेरी बीन्स की फली की एक बेल और ये देखिए पहले फूल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये देखिए फली आनी स्टार्ट हो जाती है। ये भी बहुत हेल्दी प्लांट हो रहा है मेरा। लौकी अभी आई नहीं है, देखिए फिर भी दिखा देती हूँ। लौकी की बेल भी बहुत अच्छी हो रही है, अभी फल नहीं आया है इस पर। ये देखिए ये बीन्स की फली की, मैंने तीन चार जगह बीन्स की फली की लगा रखी थी। और ये देखिए रिजल्ट देखिए ऑर्गेनिक का, कितनी अच्छी बहुत मोटी एकदम बीन्स की फली आ रही है। और बहुत छोटे से प्लांट पर ही देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये लटकती हुई, कितना सुंदर लगता है। देखिए ये फूल आने के बाद जो है देखिए ये बीन्स की फली बनना स्टार्ट हो गई है बहुत जल्दी, और बहुत अच्छा इस पर रिजल्ट निकला मेरा। ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं हुई और बहुत जल्दी इस पर जो मेरी वेजिटेबल लगनी स्टार्ट हो गई। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी तोरई की है, बीच में इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लग गए थे जिसकी मैंने आपको वीडियो भी बना के दी थी। लेकिन अब इस पर देखिए फूल कितना आ रहा है, फूल के साथ साथ इस पर ऊपर जाके तोरई भी आनी स्टार्ट हो गई है। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये देखिए काशी फल की बेल है जो कि मैंने गमले में लगाई हुई है और इसने इतनी अच्छी ग्रोथ पकड़ी है, बहुत अच्छी। लेकिन अभी कोई भी फल नहीं आया है, कोई भी सब्जी नहीं आई है, दिखा देती हूँ मैं। देखिए इसने इस तरह से जाल को पकड़ लिया है और अभी फूल के लिए देखिए कलियाँ सी तो बन रही हैं, देखिए ये कलियाँ बन रही हैं लेकिन अभी कोई फल नहीं आया। कोई बात नहीं, इंतज़ार का फल मीठा होता है, इंतज़ार करूँगी तो शायद एक आध काशी फल तो आएगा ही। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग भी अपने गार्डन में इस तरह से वेजिटेबल उगाएं और बहुत अच्छा रिजल्ट पाएं। मैं बहुत खुश हूँ, इस बार मेरे बैगन भी आए, बीन्स की फलियाँ भी आईं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पुदीना भी हो रहा है, वो भी दिखा देती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पुदीना लगाया हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।